press the bell icon on the YouTube app and never. अभी कुछ जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे भारत की बेटी और दबंग वकील नाज़िया लायकान जी का बड़ा ही विस्फोटक इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं भूल जाता हूँ, आपको सलाम कहना है, आपको नमस्कार कहना, क्या कहना, तो फिर मैं दोनों चीजें ही कह देता हूँ आपको। देखिए मुजफ्फर भाई, मैं तो संवैधानिक मुसलमान हूँ, अगर आप मुझे नमस्कार भी करेंगे तो मैं आपको नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जय हिंद जरूर कहूंगी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो मोस्टली मुसलमान है इंडिया के, वो आपको पता है कि वो इन सारी चीजों से थोड़ा सा दूर रहते हैं। लेकिन हमने एक अजीब चीज देखी कि राहुल गांधी जी ने अपनी जो स्पीच थी उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी बोली हैं कि उन्होंने वहां के जो मुसलमान हैं उनकी तो तारीफ की है, उन्होंने तमाम धर्मों के लोगों की तारीफ की है, लेकिन वहां पर कुछ लोगों की उन्होंने मजम्मत भी की है, उनकी मुखालफत भी की है। आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, दो वीडियो क्लिप है, एक तो राहुल गांधी जी का है और उसके बाद में एक और वीडियो क्लिप है जिसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई है। तो आप पहले ये दोनों क्लिप देख लें, उसके बाद में फिर आपसे इसके ऊपर आपकी राय जानूंगा। कुरान में द प्रॉफेट पीस बी अपॉन हिम सेड, ही गॉड सेड हैव नो फियर, आई एम विद यू हियरिंग एंड सीन। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है, और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया। उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य असत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। अच्छा, एक और वीडियो है वो भी आपको दिखाता हूँ। माजरा चाहता हूँ कि ये वीडियो ऐसी है कि यहाँ पर दिखाना जो है, हो सकता है किसी की दिल आजारी हो या कुछ लोग इसको पसंद ना करें, लेकिन हमारी मजबूरी है कि ये एक वीडियो है, ये एक वाकया हुआ है वेस्ट बंगाल के अंदर। तो माजरा के साथ ये वीडियो भी यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जी, आपने ये दो वीडियो देखी, दोनों के अंदर मैं समझता हूँ कि आपकी राय बहुत अहम है हमारे लिए और भारत के जो मुसलमान हैं उनके लिए भी, बल्कि तमाम भारतीयों के लिए। कि एक तरफ जो राहुल गांधी जी ने जो स्पीच की है उसके अंदर तमाम धर्मों की तारीफ करते करते साथ में ही मोदी जी और तमाम बीजेपी के लोग जो हैं या RSS के लोग हैं उनको क्रिटिसाइज किया है, बोला है कि ये लोग हिंदू नहीं है, ये नफरत की बात करते हैं। और दूसरी तरफ जो हमने वीडियो देखी उसके बारे में भी फिर आप बाद में जरूर बताइएगा।
नहीं, आपने बात तो बिल्कुल सही कही है मुजफ्फर भाई, के तमाम धर्मों की तारीफ करते करते राहुल गांधी जी अल्लाह तबारक ताला का अजय मुद्रा के बारे में बात करने लगे। मैं मुसलमान, 30 रोजे भी रखती हूँ और 30 पारा अल कुरान का भी पढ़ा है। आप मुसलमान, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक देश से, आपने कभी अल कुरान में अल्लाह तबारक ताला के अजय मुद्रा का कुछ पढ़ा है क्या, किसी आयत में? नहीं, मैं तो पहली दफा ये सुन रहा हूँ, लफ्ज भी पहली दफा सुन रहा हूँ, मेरे इलम में नहीं है। अभय मुद्रा जो होता है ये होता है जी, शिव भगवान जब बैठते हैं तो इस तरह से हाथ करके बैठते हैं, तो ये इसको हम अभय मुद्रा कहते हैं। गुरु नानक जी का उन्होंने कहा अभय मुद्रा, फिर उन्होंने ईसा मसीह की भी तस्वीर दिखा दी और उन्होंने उस पर भी अभय मुद्रा कह दिया, और फिर हम जो तिलावत करने के बाद दोनों हाथें फैला करके जो दुआ मांगते हैं तो उन्होंने उस दुआ को भी अभय मुद्रा कह दिया। बड़ा अजीब है भारत, भारत के मुसलमान ज्ञानवापी में मस्जिद ढूंढते हैं और दुआ के हाथ में, दुआ के फैलाए हुए अल्लाह तबारक ताला के सामने दुआ के फैलाए हुए हाथ में राहुल गांधी जी अभय मुद्रा ढूंढते हैं। ना ज्ञानवापी शब्द कभी मस्जिद का हो सकता है और ना ही अभय मुद्रा अल्लाह तबारक ताला का हो सकता है। बहुत सारी किताबें मैंने रिलीजियस पढ़ी है अलग अलग जगह से मंगवाकर, लाइफ ऑफ मोहम्मद पढ़ा है और ये उर्दू में है, इसमें कई पन्ने अरबी के भी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने मुंतकब अहदीस पढ़ा है, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर पे अगर आप जाइएगा तो ऐसी 2000-3000 किताबें मिलेंगी जो मैं उसको पढ़ करके, अब सिर्फ पन्ने बताइएगा तो मैं बता दूंगी कि वहां पर उस पेज में क्या लिखा हुआ है, उस नंबर पेज में क्या लिखा हुआ है। पूरा अल कुरान मैंने पढ़ा है, बामाईने पढ़ा है और कई भाषा में पढ़ा है। मैंने नहीं देखा कि अभय मुद्रा का जिक्र हमारे अल कुरान में कहीं पर है। हम अल्लाहु अकबर के, अल्लाहु अकबर जब बोलते हैं तो तहलीमा बांधते हैं नमाज के लिए, हाँ वो अलग सी बात है कि हमास और फिलिस्तीन अल्लाह अकबर के नारे पर बलात्कार करता है, पर हम तहलीमा बांधते हैं। और जब दुआ के लिए हम हाथ उठाते हैं तो इसको हम दुआ का दुआ ही कहते हैं कि दुआ के लिए हमने हाथ फैलाया है, इसको हम अभय मुद्रा नहीं बोलते। सनातन धर्म को भी उन्होंने जिस हिसाब से कहा कि हिंदू क्या करते हैं, वो हिंसावाद करते हैं, हिंसक होते हैं, वो आतंक आतंक आतंक, नफरत नफरत नफरत, हिंसा हिंसा हिंसा, उन्होंने 82.7% सनातनियों को एक तालिबानी और एक टेररिज्म शक्ल देने की कोशिश कर दी। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, हिंदुओं के विरोध में गांधी परिवार हमेशा रहा, कभी भगवान राम को काल्पनिक बोलना, कभी राम मंदिर ना बनने देने के लिए कपिल सिब्बल जैसे और बहुत सारे बड़े बड़े वकीलों का काफिला सुप्रीम कोर्ट भेजना और ये कहलवाना के साबित करना पड़ेगा कि भगवान राम काल्पनिक, कभी आपातकाल इमरजेंसी लगा करके सारे विपक्षी दलों की जुबान को बंद कर देना, उनको जेल की हिरासत में रख कर दो, 1984 में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में दंगे करवाना, साधु स्लॉटर करवाना, हमारे बापूजी कभी महावीर मंदिर में जाकर के कुरान की आयत पढ़ देते हैं लेकिन बड़ी मस्जिद में या बाबरी मस्जिद में जाकर के या जामा मस्जिद में जाकर के कभी भगवत गीता के अध्याय नहीं पढ़ते। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा कैसे दबंग वकील नाजिया लाई खान जी राहुल गांधी पे बहुत जबरदस्त तरीके से भड़क गई, जिन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का झुकाव एक समुदाय की तरफ है, पर अब तो हद पार होती जा रही है कि संसद में खड़े होकर राहुल गांधी हिंदुओं पे सीधा सीधा आक्रमण कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।